हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार। स्वागत कर रहता है कौन दमदार वीडियो में। आज हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर आशीष देव को। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप इस वीडियो को अभी स्किप कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो आपको आने वाले टाइम में पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि समय कम है, दिन बुरे हैं। मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला के यही बता रहा हूँ, समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। सुधर जाओ और यीशु मसीह के पास लौट आओ मेरे प्रियजनों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठी सी इच्छाओं को फैला रहे हैं, वचन को तोड़ मरोड़ को लोगों को बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद रहता है, अपने 7 लाखों आत्माओं को नरक में ले जाना। देखिए, चुनाव आपका है, फैसला भी आपका है। चुनो जिसको चुनना चाहते हो। वचन आपके पास भी है, वचन मेरे पास भी है। मानो या ना मानो, परमेश्वर का हाथ पकड़ के नहीं कहेगा बेटा मेरी बातों को मान। परमेश्वर ने आपके हाथ में चुनाव दे दिया है, जीवन या मौत, फैसला आपका, चुनाव भी आपका। चुनो जिसको चुनना चाहते हो। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से कहा, मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर सकेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियजनों, उस दिन, किस दिन? न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको कभी नहीं जाना, मेरे सामने से चले जाओ उस विनाश की अग्नि में, उस नरक की आग में। सावधान हो जाओ, हे प्रभु कहने वाले सावधान हो जाओ। परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यहाँ पर बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता हैं जो सिर्फ नाम के हैं, जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं, अपने मन की बातें बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, न्याय के दिन में हर एक बात का लेखा लूंगा, क्योंकि यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा, दयावंत है और न्याय भी परमेश्वर। याद रखना इस बात को, जो आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर, तो खोल के वही लिस्ट दिखा देगा कि देख ले तूने क्या क्या किया है, देख ले तूने क्या क्या किया है। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो आप अंधियारे में करोगे, परमेश्वर से उजियाले में प्रकट कर देगा। और जो न्याय करेगा परमेश्वर, न्याय सिंहासन के सामने उस मनुष्य को खड़ा कर दिया जाएगा। और परमेश्वर का न्याय करेगा, जिस शरीर में आपने व्यभिचार किया होगा, गलत काम किया होगा, वही शरीर पहना के यीशु मसीह आपको नरक में डाल देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जो अनंत काल की आग है, जो विरोधियों को डाला जाएगा। मेरे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो है नरक की आग, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, उसे जान चुके हैं कि यीशु ने कहा है व्यभिचार नहीं करने का, पाप नहीं करने का, गाली नहीं देने का, हम यीशु मसीह को जान चुके हैं, उसकी बातों को जान चुके हैं, तो याद रख लेना, यदि आप ऐसा पाप कर रहते हो, तो आप के लिए परमेश्वर बार बार बलिदान नहीं देगा। एक बार बलिदान हो चुका है, क्रूस पे उसने चढ़ चुका है, उसने लहू बहा चुका है, पापों को माफ कर दिया है। यदि आप जानबूझ के पाप करते हैं, तो समझ लेना परमेश्वर आपका बहुत बुरा हाल करेगा। यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता, वह न्याय परमेश्वर है, वह न्याय करेगा। याद रखना, जो आप दूसरों का नंगापन देखते हैं, सेक्स वीडियो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते घूम रहे, तो याद रख लेना, परमेश्वर न्याय के दिन आपको आग में नंगा ही डालेगा। स्वर्गदूत खींच तान के नरक में फेंक देंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते। यीशु ने अपने वचन में साफ साफ कहा है, आग नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जरा सोच के देखो, जब आग नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नरक में जाएगा। सुधर जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुधर जाओ। समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं, समय कम है, मन फिरा लो। क्यों नूह के दिन की तरह काम कर रहे हो, क्यों नाश होना चाहते हो? परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है, परमेश्वर तो बचाना चाहता है। आज मनुष्य खुद करके नरक में जाना चाहता है, तो परमेश्वर उसमें क्या करे मेरे भाई, क्या करे? सुधर जाओ, वरना जो आपके शरीर में गर्मी भरी है, परमेश्वर से अनंत काल की आग में निकाल देगा। जो गर्मी भरी है, उसे अनंत काल की आग में निकल जाएगी। धनवान अभी भी एक बूंद प्यास के कारण तड़प रहा है, बोल रहा है, काश कोई मेरी जीभ को एक बूंद
पानी से ठंडी कर दे, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में तड़प रही है। काश मेरा परिवार यहाँ ना आए, मेरा घर परिवार यहाँ ना आए। आज लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, विरोध करते हैं, गालियाँ देते हैं। सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को दबा के सिर के अपने मसीह बनने के पास आपके एक सिर से लाखों आत्माएं बच सकती हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक।